हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर 4, हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स इन आवर सोशल साइंस सब्जेक्ट। नाउ दिस इज अ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री वी स्टडीड दैट द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, राइट? व्हाई द यूरोपियंस केम टू इंडिया। We studied in the first chapter that Europeans came to India for trading. वो लोग व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे, right? तो फिर यहाँ पे हमें fourth chapter में पढ़ना है how the traders became rulers. तो वो तो traders थे, तो वो फिर rulers कैसे बन गए? How the traders became rulers, right? ये हमें इस chapter के द्वारा पता चलेगा। The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. On reading this story, Jay and Mitali were making fun of each other. ये जो story two cats and monkey की जो recess के during वो लोग सुन रहे थे, right? उसकी बातें कर रहे थे। तो on reading this story, वो लोग story पढ़ने के बाद जय एंड मिताली वर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर, वो लोग एक दूसरे का फन करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। देयर क्लास टीचर हु वॉज सिटिंग बिसाइड देम सेड चिल्ड्रन दिस टू इज़ अ पॉलिसी। और ये स्टोरी सुनने के बाद उनके जो क्लास टीचर थे उन्होंने कहा कि ये जो स्टोरी है वो भी एक प्रकार की पॉलिसी है। The third party takes advantage of the quarrel between the two. जैसे two cats लड़ रही थी, right? चपाटी के लिए, और फिर monkey आया और monkey ने कहा कि लाओ मैं तुम्हें equal part में divide कर देता हूँ। और उसने पहले एक part ज़्यादा लिया, एक part कम लिया, और ऐसे करके उसने balance में रखा, और ऐसा करते करते balance करते 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 वो सारी चपाटी खा गया। तो ये उसकी मंकी की पॉलिसी थी, राइट? तो दोनों की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा, राइट? दोनों की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा, जैसे दो कैट्स की लड़ाई में कैसे मंकी ने फ़ायदा उठा लिया, तो ये एक प्रकार की पॉलिसी है। तो जो ब्रिटिश थे, द ब्रिटिश हैड एक्सपांडेड देयर एम्पायर इन इंडिया विथ सच पॉलिसी। तो जो ब्रिटिश थे, जो लोग व्यापार के लिए इंडिया में आए थे, राइट, तो उन्होंने भी अपना एम्पायर इंडिया में ऐसी ही पॉलिसी से बढ़ा लिया, राइट, एक्सपांड कर लिया। जे आस्क्ड, सर हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? द क्लास टीचर रिप्लाइड, लेट अस गो टू द क्लास एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल ओवर इंडियंस। उन्होंने जो ब्रिटिश ने हमें हमने पहले पढ़ा कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो राजा और राजा थे, एक राज्य के राजा को अपने ताबे में करके, राइट, एक राजा को अपने ताबे में करके फिर दूसरे राज्य के राजाओं से उनको लड़वाते थे अंदर ही अंदर, राइट। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, अपनी सत्ता जमा ली इंडिया में, जैसे ही हमने कैट की स्टोरी देखी वैसे ही। बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजोन। बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी के अंत तक ये जो ब्रिटिशर्स है, द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजोन, राइट। Do you know that the British came to India only for trade? क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश ओनली ट्रेडिंग के लिए, ओनली व्यापार के लिए इंडिया आए थे? इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स, और फिर उन्होंने जो भारत के अलग अलग राज्य थे उन राज्यों में व्यापार करने की उन्होंने परमिशन ली थी। Then how did they become the rulers to entire India? तो फिर वो लोग entire पूरे इंडिया के rulers कैसे बन गए? The history of the British rule across many such questions, right? ये जो British rule उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी सत्ता स्थापित की थी पूरे इंडिया में, तो
ये जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अराउज होते हैं. टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे इंक्रीज्ड देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया विद द यूज ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स. उनका जो मूल बेसिक उद्देश्य क्या था उनका, उन्हें तो अपना व्यापार बढ़ाना था राइट ब्रिटिशर्स को इंडिया में, तो इसलिए सरलता के लिए उन्होंने क्या किया, तो पॉलिटिकल होल्ड को बढ़ाने के लिए राइट उनके राजकीय होल्ड को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो अंग्रेज नीति राजनीति अपनाई, ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स, उन्होंने अंग्रेज राजनीति को अपनाई राइट. और आगे है वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपांजन. अब यहाँ पे वेलेस्ली की जो विस्तार योजना है इसके बारे में बताया गया है. व्हेन वेलेस्ली केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एग्जिस्टेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. जब वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के आया इंडिया में, तब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एकदम तीव्र कंपटीशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चल रही थी. इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया सो एज टू एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लान विच वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस. ये जो फ्रेंच है राइट, तो फ्रेंच जो फ्रांस है तो वो भारत में इंडिया में वो ताकतवर, ज़्यादा ताकतवर न बने, इसलिए भारत के जो भी देशी राज्य है राइट, तो जो भी देशी राज्य है उसमें जो ब्रिटिश रूल एक्सपांड करने के लिए वेलेस्ली ने एक योजना बनाई राइट. ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्लान, उसने एक न्यू प्लान बनाया और विच वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस. और उस प्लान को क्या, किसके नाम से जाना जाता है, सब्सिडरी अलायंस, इन सहायकारी योजना. एज पर द स्कीम एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज कीप अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट. एज पर द स्कीम, ये ऐसी योजना थी, ये योजना के अनुसार, स्कीम के अनुसार, एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस राइट, जिस भी स्टेट्स ने, जिस भी देशी राज्यों ने ये जो योजना है वो एक्सेप्ट की है, तो उस राज्यों को दे हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी, उन राज्यों को ब्रिटिश आर्मी को रखना पड़ता था, उसे मेंटेन करना पड़ता था राइट. एज वेल एज कीप अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट, उन्हें ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स को भी रखना पड़ता था. एंड दिस वे ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी राइट. और फिर ब्रिटिश आर्मी को, जो ब्रिटिश आर्मी का जो भी खर्च होता था राइट, उन्हें सैलरी देना और उनकी जो, उनके पीछे जो भी खर्च होता था वो प्रिंसली स्टेट को उठाना पड़ता था राइट. जो भी स्टेट होता है उसको उठाना पड़ता था. तो दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी. तो ब्रिटिशर्स को तो जो ब्रिटिश आर्मी को मनी नहीं देनी पड़ती थी राइट, ये भी उनकी एक पॉलिसी थी. However, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. जब भी राज्यों को, देशीय राज्यों को जब भी ब्रिटिश आर्मी की ज़रूरत होती थी राइट, तो उनकी परमिशन के बिना वो लोग आर्मी को यूज़ भी नहीं कर सकते थे. This system which made many feel secure in the beginning. इस योजना से पहले तो जो राजा थे, स्टेट के राजा थे, तो पहले तो ये योजना उन लोगों को अच्छी लगी थी राइट. मेड देम फील एनस्लेव्ड एंड ट्रीटेड. पर धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों को फील हुआ कि ये तो जैसे कि हम उनके गुलाम हैं, ऐसे लगने लगा राइट. धीरे धीरे वास्तव में उन लोगों को गुलामी का अनुभव होने लगा.
सब्सिडरी अलायंस एक्टेड लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो जो ये जो सब्सिडरी अलायंस है, ये जो सहायकारी योजना है, जो ब्रिटिशर्स की योजना है, राइट, तो धीरे 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 उनको कैसे लगने लगी, स्लो पॉइजन। ये जो स्टेट्स थे, राइट, प्रिंसली स्टेट्स थे, देशी राज्य जिसे कहा जाता है, उन लोगों को एक मीठे जहर की तरह लगने लगी ये योजना ब्रिटिशर्स की। द इंडियन स्टेट्स दैट बिकेम द विक्टिम्स ऑफ द सब्सिडरी अलायंस वर हैदराबाद, मैसूर। The Indian state that became the victims of the subsidiary alliance were Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, Gayakwads of Vadodara, Peshwas of Pune and Sindhias of Gwalior. तो इस subsidiary alliance के वजह से the Indian states that become the victims, कई states India के victim बने, जैसे कि Hyderabad, Mysore, Ayodhya, Jodhpur, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवाज ऑफ पुणे एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर।